नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। तेजस्वी ने खेला अलग दांव, चिराग के रिश्तेदार अब आरजेडी के साथ। चुनावी सभा के बाद सियासी हलचल तेज। बिहार में खगड़िया सीट को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को अब अलग मुद्दे पर घेरा है। राजद प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व उप मुख्यमंत्री ने सहरसा और सुपौल में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो 15 अगस्त को 1 करोड़ युवाओं को दी जाएगी नौकरी। सहरसा और सुपौल में रविवार को चुनावी सभा में राजद नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। कहा, मोदी जी कभी भी गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। वे हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार की बात करते हैं। वैसी सरकार लाएं जो गरीबी और महंगाई दूर करे, बेरोजगारी को रोजगार दिलाए, किसान की आय दोगुनी करे, बिहार से पलायन रोके और निवेश लाए और औद्योगिक विकास करे ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। कबीर कृपानाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय मैदान सहरसा में पुराना उच्च विद्यालय खगड़िया में आदर्श इंटर विद्यालय पीर नगरा के खेल मैदान में सभा हुई। तेजस्वी के साथ ये नेता रहे मौजूद। तेजस्वी के साथ ही वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी, राज्यसभा सदस्य मनोज झा सहित गठबंधन के घटक दलों के नेता मौजूद थे। नेताओं ने मधेपुरा के राजद प्रत्याशी कुमार चंद्रदीप, सुपौल के राजद प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल और खगड़िया के सीपीएम प्रत्याशी संजय कुमार को वोट देने की अपील की। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।